हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलबिन कोल टैबलेट के बारे में। दोस्तों, सोलबिन कोल टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन कौन से इन्ग्रीडियंट इस टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसके डोजेस क्या रहेंगे। दोस्तों, सोलबिन कोल टैबलेट की बात करें तो इसको इपका फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्राइस की बात करें दोस्तों, 46 रुपीज़ की इस पर MRP होती है। तो इस टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आता है। इंग्रेडिएंट की बात करें दोस्तों, इसके अंदर क्लोरफिनेरामाइन 2 mg, पैरासीटामोल 500 mg और फिनाइल एफरिन 10 mg। दोस्तों, ये तीन तरह के इंग्रेडिएंट इसके अंदर IP इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, सोलबिन कोल टैबलेट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टैबलेट है। डॉक्टर के द्वारा बहुत ज़्यादा इस टैबलेट को लिखा जाता है। यदि किसी को सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी, बंद नाक, गले में दर्द, नाक का बहना या सिर दर्द, दोस्तों इन सभी डिसीज़ में डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इस टैबलेट की डोजेस की बात करें, एक एडल्ट व्यक्ति को दोस्तों इस टैबलेट को सुबह शाम एक एक टैबलेट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, बच्चों की बात करें तो बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग और उनकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इस टैबलेट को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। वैसे तो दोस्तों, यदि बच्चों को सोलबिन कोल टैबलेट का बहुत कम ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए ड्रॉप्स और सिरप सोलबिन कोल नाम से आता है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से यदि किसी को सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी जैसी समस्या होती है तो बिल्कुल क्योर हो जाती है। दोस्तों, यदि किसी को काला मोतियाबिंद है या हार्ट डिसीज़ है या ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो इन सभी स्थिति में डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को न इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दोस्तों, इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, पेट में कब्ज हो सकती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दोस्तों, ये इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि इसके इस्तेमाल करने से किसी किसी पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, दवाइयों से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।